बाबा साहब को सन 1946 में पश्चिम बंगाल से संविधान सभा में चुनाव जिताकर भेजने वाले महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल। महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल, इनका जन्म 29 जनवरी 1904 में मोस्तरकुंडी गांव बागगंज जिला बरिसाल पूर्वी बंगाल में एक नमोशूद्र परिवार में हुआ। पिता का नाम रामदयाल मंडल तथा माता का नाम संध्या देवी। उन्होंने सन 1929 में बीए, 1934 में एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की कोलकाता विश्वविद्यालय से एवं बरिशाल जिला अदालत में वकीली व्यवसाय करते थे। वे शोषितों, पीड़ितों, खेतिहर मजदूरों के केसेस फ्री में लड़ते थे और इसलिए समाज सेवक के तौर पर ख्याति प्राप्त थे। जनवरी 1936 में गौर नदी थाना का लोकल बोर्ड का चुनाव वे कांग्रेस जिला अध्यक्ष के विरुद्ध 52.20% वोट लेकर जीत गए। सन 1937 में बारिसाल चुनाव क्षेत्र से प्रत्याशी हुए और जीतकर विधायक बने। 18-20 जुलाई 1942 को नागपुर के अखिल भारतीय दलित सम्मेलन द ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इसी सम्मेलन में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना हुई। मई 1943 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बंगाल प्रांतीय शाखा की शुरुआत की और यहीं से जागरण साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। सन 1942 के चुनाव में भी जोगेंद्रनाथ मंडल विधायक बने थे। सन 1945 में जब सरकार गिरी और मुस्लिम लीग द्वारा सरकार बनाने की कोशिश की जा रही थी तो मंडल जी ने 3 शर्तों पर समर्थन दिया। नंबर 1, 3 शेड्यूल कास्ट के मंत्री होंगे। नंबर 2, 3 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी शेड्यूल कास्ट से होंगे। नंबर 3, कम्युनल अधिनियम अंतर्गत 5,00,000 रुपये शेड्यूल कास्ट की शिक्षा पर खर्च होगा, जो सारी शर्तें मान ली गई और मंडल जी भी मंत्री बनाए गए। 3 अक्टूबर 1945 को पूना में अंबेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष जस्टिस आरआर भोले थे। इस स्कूल का उद्घाटन जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने किया था। मार्च 1946 के चुनाव में एकमात्र जोगेंद्रनाथ मंडल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन फिरोजपुर पटवा खाली चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीते। 30 आरक्षित सीटों में 26 पर कांग्रेस, 3 निर्दलीय और 1 शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। 19 मई 1946 को दिल्ली में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट की बैठक बुलाई गई, जिसका विषय था बाबा साहेब को संविधान सभा के होने वाले चुनाव में कहां से प्रत्याशी बनाया जाए ताकि वे जीतकर संविधान सभा में पहुंच सके और बहुजन समाज के हक और अधिकार स्वतंत्र भारत के संविधान में सुरक्षित कर सके। जब किसी ने जिम्मेवारी नहीं ली तो पश्चिम बंगाल से जोगेंद्रनाथ मंडल जी द्वारा भेजे गए 2 प्रतिनिधियों द्वारा बाबा साहेब को बंगाल से प्रत्याशी बनने का अनुरोध किया गया, जिसे बाबा साहेब ने स्वीकार किया। अब बाबा साहेब के चुनाव प्रचार की और उन्हें संविधान सभा के चुनाव में जिताने की पूरी जिम्मेवारी जोगेंद्रनाथ मंडल जी पर थी। 30 जून 1946 को बाबा साहेब बंगाल की एक सभा में अपने भाषण में कहते हैं, अब समय आ गया है हम लोग अपने आपसी मनमुटाव व छोटी छोटी बातों को भुलाकर एकत्र होकर संगठित होकर अपने दलित वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए भावी भारत के नए संविधान के निर्माण में सहयोग करें तथा इस बात के लिए जागरूक रहे कि हिंदू बाहुल्य वाली संविधान सभा में कहीं हमारे हितों का बलिदान न हो जाए और सदा सदा के लिए उनके गुलाम ही न बन जाए। जैसे कि मदर इंडिया 1945 में प्रकाशित इस पुस्तक में वर्णन है। 17 जुलाई 1946 को बंगाल विधान परिषद द्वारा संविधान सभा के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव होना था। बाबा साहेब के खिलाफ कांग्रेस ने सीआर ठाकुर को नामित किया था तथा दलित वर्ग के ही एक विद्रोही गुट के व्यक्ति एमबी मलिक को शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन का प्रत्याशी बनाया गया था। चुनाव के दिन हजारों की संख्या में दलित बंगाल विधान परिषद भवन के पास पहुंच गए। पुलिस का घेरा तोड़कर लाठी व गोली की चिंता किए बगैर वे भवन के आंगन में पहुंच गए। दलितों की नग्न तलवार विधानसभा के आंगन में लहरा रही थी और अंबेडकर जिंदाबाद के नारे आकाश में गूंज रहे थे। इन्हीं प्रदर्शनकारियों में जिला जालंधर के गांव तलहन का बुद्ध सिंह नामक एक अछूत आगे बढ़ा और उसने अपनी नंगी कृपाण यानी कि तलवार घुमाते हुए घोषणा की, मैं प्रण करता हूं यदि डॉक्टर अंबेडकर चुनाव में हरा दिए गए तो ये तलवार गद्दारों के खून से लथपथ हो जाएगी और मैं अपने जीवन को आहुति दे दूंगा। बुद्ध सिंह के बाद अनेक अन्य दलितों ने भी इस प्रकार की शपथ ली। ये खबर कलकत्ता के प्रकाशित दैनिक स्टेट्समैन ने 18 जुलाई 1946 के अंक में छापी। 20 जुलाई 1946 को चुनाव परिणाम की घोषणा हुई। बाबा साहब न केवल विजयी हुए बल्कि देश भर में स्वतंत्र उम्मीदवारों में उनको सबसे ज्यादा वोट प्राप्त हुए। भारत के बंटवारे के बाद कूटनीति के तहत बंगाल का वो हिस्सा जहां से बाबा साहेब चुनाव जीते थे पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश को दे दिया गया और बाबा साहेब का सदस्यत्व रद्द कर दिया गया। साथ ही जोगेंद्रनाथ मंडल और नमोशूद्र लोगों को भी सजा दी गई।
15 अगस्त 1947 को जोगिंद्रनाथ मंडल मेंबर एंड टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान बने। 15 अगस्त 1947 से 8 अक्टूबर 1950 तक जोगिंद्रनाथ मंडल जी पाकिस्तान के पहले मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस और मिनिस्टर ऑफ लेबर बने। 1-10-1949 से 8-10-1950 तक मंडल जी सेकंड मिनिस्टर ऑफ कॉमनवेल्थ एंड कश्मीर अफेयर्स रहे। 8 अक्टूबर 1950 को उन्होंने अपने मंत्रिपद से इस्तीफा दे दिया और फिर वे भारत आकर बस गए। जोगिंद्रनाथ मंडल जी अपनी जिंदगी के अंतिम क्षण तक भी अपना सामाजिक परिवर्तन का कार्य भारत में ही करते रहे। माननीय कांशीराम साहब द्वारा चलाई गई मूवमेंट की वजह से हमें इस इतिहास की जानकारी मिली, जिसे कांग्रेस और मनुवादियों द्वारा दफनाने की काफी कोशिश की गई। 5 अक्टूबर 1968 को महाप्राण जोगिंद्रनाथ मंडल इनका महापरिनिर्वाण हो गया। इस महापुरुष को विनम्र अभिवादन और कोटि कोटि नमन। ये आलेख एडवोकेट अतुल पाटिल का है, जो हमने उनसे साभार प्राप्त किया है।